ड्रग डोज डोजेज एंड इट्स टाइप, टॉपिक नंबर 9 है आपका सेकंड सेमेस्टर का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में। व्हाट इज ड्रग? इट्स रेफर टू एनी सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन थ्रू इट्स केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी में आए और बायोलॉजिकल फंक्शंस आपके चेंज कर, मतलब आपके जो सेल के, टिश्यूज के, ऑर्गन के जो फंक्शंस है जो नॉर्मली वो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनमें कोई अबनॉर्मिलिटी आई है तो उसके लिए हम ड्रग्स लेते हैं ताकि वो दोबारा नॉर्मल हो जाए। तो मींस चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है। वो चेंजेस कैसे आ रही है? क्योंकि ये सब्सटेंस आकर आपकी बॉडी में जो है वो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जो है केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होने की वजह से आपके साथ बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही है। तो फार्माकोलॉजी में आपके साथ जो है हम हर एक मेडिसिन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ड्रग का नाम देंगे। डोज क्या है हमारे साथ? अमाउंट ऑफ अ ड्रग टेकन ईच टाइम बाय एन इंडिविजुअल और अ क्वांटिटी टू बी एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम। एक मर्तबा पर जब आप जितना भी ड्रग को लेते हो तो वो आपके साथ डोज कहलाया जाता है, ठीक है। जैसे आप जो है लाइक पैरासीटामोल की टैबलेट है आपके साथ, तो उसमें पर लिखा होता है आपके साथ 500 मिलीग्राम। तो इट्स मींस कि आप 500 मिलीग्राम का एक डोज जो है वो आप एक टाइम पर ले रहे हैं, ठीक। इसी तरह आपके साथ जो है 20 मिलीग्राम के भी हो सकते हैं टैबलेट, 10 मिलीग्राम के भी हो सकते हैं, 2 ड्रॉप्स वगैरह जो ड्रॉप्स फॉर्म में आप स्टेट वगैरह जो आप माउथ वगैरह में लगाते हो, ठीक है। तो उस तरह जो है हमारे साथ इनका भी डोज जो है वो शुमार होता है। तो मतलब ड्रग्स को आपने एक टाइम पर जो है जितनी क्वांटिटी आप उसकी ले रहे हो वो आपके साथ डोज कहलाया जाता है। डोजेज क्या है? द अमाउंट ऑफ अ ड्रग गिवन टू एन इंडिविजुअल पर यूनिट बॉडी वेट आर द डिटर्मिनेशन रेगुलेशन ऑफ द साइज फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोजेस। अब डोजेज जो होता है मोस्टली हमारे साथ जो है जो पीड्स होते हैं, पेड्रियाटिक्स होते हैं, उनमें हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि उनको जब हम ड्रग देते हैं तो हम उसे जो है बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। उनको हम किस हिसाब से देते हैं? बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, केजी में उनका वेट लिया जाता है। जो एडल्ट डोज होता है लाइक जैसे पैरासीटामोल का 500 मिलीग्राम है, तो उसको जो है हम डिवाइड करके तब हम जो है उसके बॉडी वेट के मुताबिक जो है उसे हम डोज देते हैं। अब उसे कितने डोजेस रिक्वायर है तो उसी के मुताबिक उसके लिए हम डोज प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इट्स मोस्टली इन अ पीड्स पेडियाट्रिक वार्ड्स वगैरह में जब आप होते हो तो वहाँ पर आपको डोजेज की ज़रूरत होती है। बेबीज वगैरह के लिए, चाइल्ड वगैरह जो होते हैं उनके लिए हम मोस्टली करते हैं। अब डोजेज की फिर हमारे साथ जो है टाइप्स भी आती है डिफरेंट, लाइक थेरापीटिक डोज, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, टॉक्सिक डोज या फेटल डोज। लाइक थेरापीटिक डोज क्या है? एवरेज डोज फॉर एन एडल्ट टू प्रोड्यूस अ थेरापीटिक इफेक्ट इज कॉल्ड अ थेरापीटिक डोज। वो डोज हमारे साथ जिसे हम एक एडल्ट को, एक 18 प्लस को जब हम देते हैं और उसकी बॉडी में वो थेरापीटिक इफेक्ट क्रिएट करे, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उसकी बॉडी में आए, उसकी बॉडी में जो है जो एबनॉर्मिलिटी है उसको नॉर्मिलिटी में लेकर आए, तो वो डोज हमारे साथ क्या कहलाया जाता है? थेरापीटिक डोज कहलाया जाता है। और थेरापीटिक डोज वो हमारे साथ होते हैं जिस पर आपके साथ बंदा ट्रीट हो जाए, जिस पर आपके साथ बंदे की ट्रीटमेंट जारी हो जाए, इलाज हो जाए, सो इट्स कॉल्ड अ थेरापीटिक डोज। लोडिंग डोज अब हमारे साथ क्या है? अ लार्ज डोज इनिशियल यूज टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एज क्विकली एज पॉसिबल इज कॉल्ड लोडिंग डोज। लोडिंग डोज में अब आप क्या करते हो, जैसे नाम से जाहिर है लोडिंग, लोड मतलब लार्ज डोज, आप थेरापीटिक डोज से ज़्यादा डोज लेते हो ताकि आपके साथ क्विकली इफेक्ट आ जाए, जल्दी आपको इफेक्ट चाहिए, तो उस सूरत में आप डोज इंक्रीज करते हो, तो वो डोज हमारे साथ क्या कहलाया जाता है? लोडिंग डोज कहलाया जाता है। लाइक एक नॉर्मली आपके साथ थेरापीटिकली डोज था, लाइक पैरासीटामोल में ले रहा था 500 मिलीग्राम जिसके साथ वो मेरे साथ जो है थेरापीटिक डोज है, उस पर मेरे साथ बंदा जो है उसकी थेरेपी हो सकती है जो पेशेंट है मेरा।
फिर अब मुझे जो है, या मैं चाहता हूँ कि इस पैरासीटामोल का जो है क्विकली इफेक्ट मेरी बॉडी में आए, तो मैं उसका डोज जो है 500 मिलीग्राम के बजाय 1 ग्राम, मतलब 2 टेबलेट लेता हूँ, तो ये फिर मेरे साथ क्या हो जाता है, लोडिंग डोज हो जाता है। क्विकली इफेक्ट, जल्दी इफेक्ट लाने के लिए जो है मैं उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूँ उस डोज की, तो वो फिर मेरे साथ लोडिंग डोज या लार्ज डोज कहलाया जाता है। मेंटेनेंस डोज, अ डोज यूज टू मेंटेन द थेरापीटिक इफेक्ट और कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा इज कॉल्ड मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज की कब आपको ज़रूरत आती है, जब आप एक नॉर्मल बेसिस पर आप एक मेडिसिन से आप उसे ले रहे हो ले रहे हो ले रहे हो, तो आपने नोट किया होगा एक टाइम आता है वो आपकी बॉडी में काम करना छोड़ देता है वो डोज, फिर आप उसका डोज जो है डबल करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो जब उसका डोज आप डबल करना शुरू कर देते हो ताकि आपके बॉडी में जो है थेरापीटिकली इफेक्ट उसका है, तो फिर वो डोज हमारे साथ मेंटेनेंस डोज कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप वो सिंगल एक टेबलेट ले रहे थे, उस टेबलेट ने आपकी बॉडी में जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी है, अब वो मज़ीद जो है आपकी बॉडी में उतने मिलीग्राम जो है वो आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं शो कर रहा। अब आपने इफ़ेक्ट लाने के लिए, थेरापीटिक इफ़ेक्ट हासिल करने के लिए जो है डोज को इंक्रीज़ करना होता है, और जब आप डोज को इंक्रीज़ कर लेते हो थेरापीटिक इफ़ेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ दी रेजिस्टेंस उस ड्रग ने आपकी बॉडी में क्रिएट किया है, उसके लिए आपकी बॉडी के रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो रहे, जब आप ज़्यादा डोज डालोगे ज़्यादा ड्रग डालोगे तब जाके आपके जो रिसेप्टर है वो उसके लिए एक्टिवेशन देंगे, तो उस सूरत में हमारे साथ जो डोज होता है वो हमारे साथ मेंटेनेंस डोज कहलाया जाता है। मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, अब देखिए वहाँ जैसे हम इससे पहले पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब टॉलरेंस क्रिएट होती है, एक बर्दाश्त होती है हर एक चीज़ की जो कि आपके बॉडी में क्रिएट करता है, तो इसी तरह मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज क्या कह रहा है, लार्जेस्ट डोज ऑफ ड्रग डेट कैन बी टेकन सेफली। आप एक हद तक जो है एक डोज का मिलीग्राम इंक्रीज करके उसे थेरापीटिक डोज लेकर आ सकते हो, उसका थेरापीटिक इफेक्ट लेकर आ सकते हो, उसकी मेंटेनेंस आप कर सकते हो, लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद वो आपके लिए जो है वो फैटल हो जाता है, आपके लिए ख़तरनाक हो जाता है, आपके लिए टॉक्सिक डोज भी बन सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमल डोज टॉलरेटेड डोज होता है, एक डोज होता है, लाइक आप 5 टेबलेट ले रहे हो पैरासीटामोल के एक साथ 6 टेबलेट ले रहे हो, तो ये आपके साथ मैक्सिमल टॉलरेटेड इफेक्ट है, आपके बॉडी में सेफली जो है वो अपना एक्शन शो करेंगे, इससे मज़ीद अगर आप इंक्रीज करोगे तो वो फिर आपके साथ टॉक्सिस या फेटल डोज बनेगा जो कि आगे आ रहा है, ठीक है। टॉक्सिक डोज, अमाउंट ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस अनडिजायरेबल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीरियस नेचर इज कॉल्ड अ टॉक्सिक डोज। अब एक मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, इससे पहले हम पढ़ रहे थे एक हद थी आपकी बॉडी में टॉलरेंस क्रिएट कर रहा था, आप ड्रग ले रहे थे सेफली आपकी बॉडी में काम कर रहा था, अब जो है बहुत ज़्यादा आपने मिलीग्राम इंक्रीज कर दिया है, लाइक आप मैक्सिमल डोज में फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले रहे थे 4 ग्राम तक जो है आप ड्रग एक ले रहे थे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मैक्सिमल टॉलरेटेड इफेक्ट था, उससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो वो आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा, तो 4 मिलीग्राम मैं ले रहा था तो मेरी बॉडी में वो सेफली काम कर रहा था, लेकिन 4 मिलीग्राम से अब मैं 4 ग्राम से अब मैं 5 ग्राम की तरफ आ गया हूँ, तो ये मेरे साथ टॉक्सिक डोज हो गया, क्योंकि अब उसका जो टॉलरेंस लेवल था उस ड्रग का सेफली बेस पर वो ख़त्म हो गया है, अब उसके बाद वो ड्रग मेरी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। टॉक्सिसिटी क्यों करता है, एक तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो बैड ही होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये केमिकल्स हैं और केमिकल्स जो है वो आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करेंगे, तो आपके बॉडी में वो केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होने की वजह से आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी आएगी, तो जब आप ज़्यादा लोगे डोज को तो फिर वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, तब हम उसे टॉक्सिक डोज कह लेंगे। अब टॉक्सिक डोज के बाद आपके साथ आता है फेटल डोज, अ डोज डेट प्रोड्यूस डेथ इज कॉल्ड फेटल डोज। लाइक ये ही पैरासीटामोल है,
मैं अगर इसकी 30 टैबलेट्स से ज़्यादा लेता हूँ तो फेटल डोज हो जाता है, मेरा लिवर जो है वो प्रॉपरली जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, 30 से ज़्यादा टैबलेट अगर मैं पैरासीटामोल की एक साथ लूँगा तो वो क्या करेंगे, मेरे लिवर को डैमेज कर देंगे, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। हेपेटोटॉक्सिसिटी होने की वजह से मेरा लिवर प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म का फंक्शन नहीं कर सकेगा, और इस तरह जो है अगर मैं और भी डोज इंक्रीज करता जाऊँ तो इससे मेरे ऑर्गन ख़राब होते जाएंगे और मेरी डेथ जो है वो पॉसिबल होने लगेगी। ठीक है, तो वो डोज जिस पर आपके साथ बंदा जो है वो मर रहा होता है, मरने की कोशिश कर रहा है, या वो उस डोज को लेकर जो है मर सकता है, तो उस डोज को हम क्या कहते हैं, फेटल डोज कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।